एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बबली कबूतरी और उसका बेटा बंटी कबूतर रहते थे। बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे टूनी, कल मेरा बेटा बंटी विदेश से आ रहा है। ऐसा करना, तू कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना, घर की साफ सफाई कर देना। मेरे बेटे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मालकिन, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। आप कहें तो मैं अपनी जगह अपनी बेटी टुंटुली को भेज दूँ। अच्छा ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना। इस उम्र में मुझसे काम भी तो नहीं होता। तेरी बेटी रहेगी तो साथ में मिलकर काम कर लेगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की जगह बबली कबूतरी के यहाँ काम करने आती है। तू आ गई टुनटुनी, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है, तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है। ठीक है आंटी, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है, सामने बंटी कबूतर खड़ा था। अरे घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? करिए, आपको किससे मिलना है, आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुला कर लाती हूँ। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर में आने वाली थी। वो सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? बेटा ये टुनटुनी है, अपने यहाँ काम करने वाली बाई है ना, उसी की बेटी है। टुनटुनी जा, जाकर मेरे बेटे के लिए ठंडा पानी लेकर आ और फिर भोजन बनाने में जुट जा। अभी ला रही हूँ आंटी जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आप बैठकर अपने बेटे से बात करिए, मैं भोजन अकेले ही बना लूँगी, मुझे भोजन बनाना आता है। इतना कहकर टुनटुनी किचन में चली जाती है और सारा भोजन अकेले ही तैयार करती है। जब बंटी कबूतर भोजन करता है, वाह मम्मी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मन करता है भोजन बनाने वाले का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर टुनटुनी शर्मा जाती है। सच में टुनटुनी, तूने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को मनी मन पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक टुनटुनी को नहीं बताई थी। इसी बीच टुनी चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और उसकी बेटी टुनटुनी काम पर आना बंद कर देती है। टुनटुनी के न आने से बंटी कबूतर बेचैन हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपने दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है बंटी, तू एक नौकरानी से शादी करना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं कभी भी एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी टुनटुनी से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा। अब बबली कबूतरी के पास बंटी कबूतर की जिद मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया नौकरानी से बबली कबूतरी की घर की बहू बन जाती है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। टुनटुनी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो एक नौकरानी को तेरे बेटे ने घर की बहुरानी बना दिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी बहन, मेरी बहू अभी नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। गौरी कौवी नदी किनारे बैठी हुई थी, तभी गौरी कौवी की नज़र एक अंडे पर पड़ती है जो नदी में बहता जा रहा था। वह टुनी चिड़िया से कहती है और टुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस अंडे को उठा लेती है। टुनी चिड़िया, इस अंडे को तुम अपने पास ही रख लो और अपने घोंसले में ले जाओ, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। ये अंडा तो लग भी किसी चिड़िया का ही रहा है। नहीं गौरी कौवी, भले ही मेरे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं किसी और का अंडा अपने घोंसले में छुपा के नहीं रख सकती। पता नहीं इसकी माँ कितनी परेशान होगी इसके लिए। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी टुनी चिड़िया, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। नहीं गौरी कौवी, मुझे तब ज्यादा खुशी मिलेगी जब ये अंडा अपनी माँ के पास चला जाएगा। अगर तुमसे कोई इस अंडे के बारे में पूछे तो बता देना कि ये अंडा मेरे पास है। और फिर गौरी कौवी और टुनी चिड़िया अपने अपने घर चली जाती है।
टूनी चिड़िया उस अंडे को लाकर अपने घोंसले में रख देती है और सारा दिन उसका बहुत ध्यान रखती है। पता नहीं ये अंडा किस पक्षी का है, इसको इसकी माँ मिल पाएगी भी या नहीं। अब तो टूनी चिड़िया सारा दिन उस अंडे से ही बातें करती रहती और उस अंडे का इतना ध्यान रखती जैसे कि वो उसका खुद का ही अंडा हो। और फिर इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस अंडे को लेने कोई भी नहीं आता है। अब तो चिड़िया उस बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जो उस अंडे से आने वाला था। अब उस अंडे से एक बच्चा आ चुका था जो कि बहुत प्यारा था, चिड़िया जानते हुए भी कि ये किसी और पक्षी का बच्चा है, लेकिन अब वो उस बच्चे को देना नहीं चाहती थी। क्या आप ही मेरी मम्मा हो? जब मैं अंडे के अंदर था तो आप ही मुझसे बात किया करती थी मम्मा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं ही आपकी मम्मा हूँ। और फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे का नाम सोनू चिड़ा रखती है। अब टूनी चिड़िया को इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं उसके बच्चे को उससे कोई छीन ना ले। और फिर टूनी चिड़िया सोचती है कि इस बात का सिर्फ गौरी कौवी को ही पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो मुझे जाकर गौरी कौवी से ही बात करनी होगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया गौरी कौवी के पास चली जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया गौरी कौवी के घर पहुंचती है, गौरी कौवी कहती है, अरे टूनी तुम यहाँ, मैं तुम्हारे ही घर आने वाली थी। क्या हुआ उस अंडे का जो हमें नदी के पास मिला था, और किस पक्षी का बच्चा निकला उसमें से? हाँ गौरी कौवी, मैं भी उसी के बारे में बात करने आई थी। उस अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकला है जो कि बहुत प्यारा है। मैं चाहती हूँ कि ये बात अब तुम किसी से ना बताओ, क्योंकि अगर मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। गौरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। गौरी, क्या टूनी चिड़िया सच में उस अंडे को नदी से उठा के लाई थी? हाँ कालू, वो अंडा हमें नदी में बहता हुआ मिला था। अब देखना गौरी कौवी, मैं टूनी चिड़िया के साथ क्या करता हूँ। और फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया का बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे के पास बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर गौरी और कालू कौवा आ जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुमने अपने बच्चे को नदी की बात बताई या नहीं? गौरी कौवी, मेरे छोटे से बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करो। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करें, तो पास आके हमारी बात सुनो। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे बच्चे से कुछ ना बताएं, तो तुम्हें हमारे लिए हर रोज दाना। रामपुर की सब्जी मंडी में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। कहो बहन, क्या दे दूं? बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रही हूं। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो है, पर तुम्हें सस्ते लगा दूंगी। ये तुम सब्जियों के दाम बता रही हो या सोने चांदी के भाव बता रही हो? इससे कम रेट में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको सुंदरी कौवी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सब्जियाँ लेनी है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं सोच कर बताती हूँ मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा रोने लगता है। सुंदरी कौवी अपनी बेटी को चुप कराने लगती है। मौका पाकर टुनटुनी कुछ सब्जियाँ चुरा लेती है और अपने थैली में डाल देती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मेरे पास पैसे कम है, मैं अभी घर से और पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी आगे से आप सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा पैसे दिया कीजिए, आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है। आपको पता है सोने के भाव सब्जियाँ मिल रही है। ठीक है बहू, आगे से तुम ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, चलो आज मैंने सब्जी के 200 रुपए बचा लिए, अब मैं रोज इसी तरह सब्जी चोरी करके लाऊंगी और माँ जी जो भी सब्जी लाने के पैसे देंगी उसे मैं इकट्ठा करूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने लिए सुंदर सा हार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पैसों को छुपाकर रख देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया
जाती है। उसे अपनी दुकान पर फिर से देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बहन कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज फिर से आई हो, आज कुछ खरीदोगी या केवल दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं, आज मैं सब्जियां जरूर खरीदूंगी, देखो आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय सुंदरी कौवी की दुकान पर हरी काफी आती है। बहन मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। सुंदरी कौवी हरी काकी को सब्जी देने में लग जाती है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया नजर बचाकर अपने थैले में आलू बैंगन और लौकी रख लेती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मैं कब से खड़ी हूँ और तुम होगी मुझे सब्जी दे ही नहीं रही हो। बस बहन अभी दे रही हूँ, जरा हरी काकी से पैसे ले लूँ। पैसे देकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा करो जो तुम्हारे पास सबसे सस्ती सब्जी हो वो मुझे 500 ग्राम दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुंदरी कौवी भड़क जाती है। तुम्हें देने को मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं, केवल मेरा समय बर्बाद करती हो। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती है। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आओ रे आओ जल्दी से अब इधर आओ, ये देखो मैंने छोड़ने को पकड़ा है। उसे जोर जोर से चिल्लाते देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से माफी मांगने लगती है, मुझे छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो पैसे, आज तक मैंने जितनी सब्जियाँ चुराई है उसके मैं सारे पैसे दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की माफी मांगने पर सुंदरी कौवी अपनी सब्जियों के पैसे लेकर उसे छोड़ देती है। जा आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और ये फैसला करती है कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी, शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। सुंदर वन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है, तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी नींबू की शिकंजी, अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वही कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा, तुम्हें याद है ना मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है, चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं, शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया यहाँ अचानक आना कैसे हुआ, गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊँ मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है, कोई भी अनाज नहीं उग रहा है, वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं, आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया ये बता तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ, यही घर में थोड़े बहुत बचे थे, ऐसा करती हूँ मौसी मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ, गर्मी बहुत है सभी एक एक ग्लास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी जल्दी बना, नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है,
तभी सुंदरी कौवे की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है, गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यही काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले, यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती, देखना तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवे से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी, शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काफी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काफी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।